अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अल्फ़ाबेट इज पेज नंबर 22। अल्फ़ाबेट इज इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 22 आपने रीड करना है, और आज आपने पेज नंबर 22 पे रीड करना है लेटर वी। विच लेटर इज दिस? वी। विच लेटर इज दिस? वी। जहाँ पे मेरी फिंगर है वहाँ पे अपनी फिंगर रखें और मेरे बाद पढ़ें। विच लेटर इज दिस? वी। हाउ डज इट साउंड? व। आपने जो आपके ऊपर वाले टीथ हैं उनको नीचे वाले लिप पे रखना है। व। वी। व। वी। व। चलें अब वी व की थिंग्स को फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये गर्ल है, इस गर्ल ने ना कुछ वी की पिक्चर्स जो हैं, वी की थिंग्स जो हैं वो फाइंड की हैं। बाकी आप इसकी हेल्प करें और वी की जो थिंग्स हैं उनको फाइंड करें इसके साथ मिलके। बहुत मज़े का काम होता है ये, ठीक है। चलें ढूंढते हैं, यहाँ पे ढूंढते हैं। ये एक रूम है, इस रूम में सारी वी की थिंग्स दी गई हैं, ठीक है। वी लेटर की सारी थिंग्स इस रूम में हैं, इस हाउस में हैं, ठीक है। यहाँ पे चलें ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। यस, दिस वन। आपको ये लग रहा होगा कि ये गाड़ी है, कार है। नो, इट्स नॉट कार। ये एक मशीन है जो कि सफाई करती है घर की, ठीक है। स्पेशली जो होते हैं ना कारपेट यानी कालीन, उनकी सफाई करती है और इसको बोलते हैं वैक्यूम। और ये देखें वैक्यूम को ना इस गर्ल ने पकड़ा हुआ है, यानी ये गर्ल जो है वो घर की सफाई कर रही है, ठीक है। इसने देखें ग्लव्स भी रेड कलर के पहने हैं। ग्लव्स इसलिए पहने हैं कि सफाई करते हुए आपके हैंड्स ख़राब ना हो, वो इसलिए उसने गर्ल ने ग्लव्स पहने हुए हैं। और वो वैक्यूम से सफाई कर रही है, घर क्लीन कर रही है। आप भी मामा की हेल्प करते होंगे। चलें अगर नहीं करते ना तो आज से आप गुड बॉय बन जाएं, गुड गर्ल बन जाएं और मामा के साथ हेल्प करवाएं उनके घर के काम करने में, घर में सफाई करने में, ठीक है। ओके, वी व वैक्यूम। वी व वैक्यूम। वी व वैक्यूम। नेक्स्ट और ढूंढते हैं यहाँ पे वी की थिंग्स। यस, दिस वन। देखें ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है गुलदान सा, ठीक है। ये गुलदान आपके घर में भी है ना, जिसके अंदर मामा फ्लावर्स रख देती हैं कि घर अच्छा लगे, बहुत प्यारा लगे। तो ये जो जिसके अंदर, जिस चीज़ में ये फ्लावर्स रखे हुए होते हैं, डाले हुए होते हैं, उसको कहते हैं वाज। वी व वाज। वी व वाज। वी व वाज। और ढूंढते हैं। यस 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 यस। ये देखिए एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बास्केट है। बास्केट के अंदर क्या पड़ी हुई है? सारी वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। ये देखेंगे पर्पल कलर का जो है ब्रिंजल है यानी बैंगन। ये देखेंगे रेड एंड येलो कलर की कैप्सिकम है। आपने जीके में भी कैप्सिकम पढ़ी थी, मैंने आपको उसमें बताया था कैप्सिकम हर कलर की होती है, पर्पल होती है, रेड होती है, ग्रीन होती है, येलो होती है, ऑरेंज भी होती है। तो यहाँ पे ये देखें इसके अंदर येलो एंड रेड कलर की कैप्सिकम पड़ी है। कैप्सिकम भी जो है ना वेजिटेबल है। और यहाँ पे ये देखें रेड कलर के टोमेटोज हैं। टोमेटोज आपको पता है वो भी रेड कलर के होते हैं। ये देखें ये जो ग्रीन कलर के हैं ना, ये आपको यहाँ पे प्याज दिया गया, हरा प्याज होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। और यहाँ पे और ये देखें ये आपको गार्लिक दिया गया है, जिंजर गार्लिक, ठीक है। ये सब यानी कि लहसुन अदरक दिए गए हैं। और ये सब क्या हैं? वेजिटेबल्स। विच पिक्चर इज दिस? वेजिटेबल्स। वी व वेजिटेबल्स। वी व वेजिटेबल्स। वी व वेजिटेबल्स। आपने ये समर बुक में भी आपने ये पिक्चर का नेम पढ़ा था वेजिटेबल्स, ठीक है। वैक्यूम भी पढ़ा था, वेजिटेबल्स भी पढ़ा था। तो ये सारे किससे होते हैं, किस लेटर से? वी से। वी व वेजिटेबल्स। वी व वैक्यूम। वी व वाज। वी व वेजिटेबल्स। वी व वी व वी व। अब आपने अच्छे से लर्न करके अपनी मामा को सुनाना है। अल्लाह हाफिज़।